हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा चमत्कारी घरेलू नुस्खा जिसके प्रयोग से आपकी गैस की समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। अगर आपकी पाद में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने किचन में आना है, फिर आपको लगभग 250 ml यानी कि एक गिलास पानी से थोड़ा कम पानी लेना है, ये देखिए। फिर आप इसे अपने जो भी आपको चाय बनाने वाला पॉट है उसके अंदर आप पानी को डाल दीजिए। इसके बाद आपको गैस को ऑन कर लेना है और इसे हल्का सा गुनगुना होने दें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना पहला इंग्रेडिएंट जिसका नाम है जीरा। ये देखिएगा दोस्तों, मैंने लगभग एक चम्मच जीरा ले लिया। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक चम्मच जीरा है। जीरा कब्ज के लिए रामबाण होता है, तो लगभग आपको पूरा एक चम्मच जीरा लेना है और इसको जो ये पानी गर्म हो रहा है इसमें डाल देना है। इसके अलावा फिर हमें दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों तासीर में गर्म होती है, इसलिए आपको जो दालचीनी लेनी है वो कम मात्रा में लेनी है। तो ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ दो छोटे टुकड़े ही दालचीनी के लिए हैं, तो इसे भी आप इसके अंदर डाल देंगे और इसे बॉयल होने देंगे और लगभग इसे आप 5 मिनट तक हल्की आग में बॉयल होने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप इसे उतार लीजिए। देखिए इसका कलर किस तरीके का, गैस को बंद कर देते हैं। दोस्तों 5 मिनट पूरे होने के बाद आपको लगभग ग्रीन टी जैसा रंग प्राप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, इसका रंग ग्रीन टी जैसा है। अब आपको इसे छान लेना है, इसे छान लीजिए। अभी इसमें हम दो इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे। ये देखिए, ये छान लिया है और इस बचे हुए जीरे का और ये जो दालचीनी के टुकड़े जो बचे हुए हैं इसमें बॉयल होने के बाद, इसका प्रयोग आप सब्जी में कर सकते हैं। और ये हमारा काढ़ा जो है, काढ़े का जो मेन इंग्रेडिएंट मेन हिस्सा है वो बनकर तैयार हो गया है। आपको एक नींबू लेना है और आधे नींबू का रस इसके अंदर मिलाना है। दोस्तों नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे कि आपके चेहरे पर चमक आती है और इसके अलावा आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो इसे आप निकाल लीजिए और लगभग ध्यान रखिए, एक पूरा मीडियम साइज का जो चम्मच होता है उतना रस इसके अंदर निकाल दीजिए। देखिएगा जरा, इसको अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। दोस्तों नींबू के जो सेवन से वेट भी लॉस होता है, पेट के पित्त ठीक हो जाते हैं, इसके अलावा इससे चेहरे पर चमक रहती है और साथ ही कुछ लोगों के जो होंठ फटते हैं ना, उसे होंठ फटने की इसके बीज आप निकाल दीजिएगा। जैसे ये बीज है, इन्हें हम निकाल देते हैं। दोस्तों बीज निकाल दीजिएगा और इस रस को, आधे नींबू के रस को इसमें मिला लीजिए। इसके बाद आपको अगला इंग्रेडिएंट मिलाना है काला नमक। काले नमक की तो कहना ही क्या, काला नमक बहुत लंबे समय से गैस की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग होता रहा है। तो आप लगभग एक तिहाई या एक चौथाई अपने स्वाद के अनुसार काले नमक को ले लीजिए और उसको इस जो ये काढ़ा है इसके अंदर मिला दीजिए और इसको हिला दीजिए। फिर इसे आप 10 मिनट तक रख दें जिससे कि ये ठंडा हो जाए। इसमें आपको बर्फ नहीं मिलानी है, आपको इसे इसी तरीके से इसका सेवन करना है। और काले नमक को मैं हटा देता हूं। दोस्तों जब भी आपको गैस की या कब्ज की समस्या आए, आप तुरंत इस काढ़े को तैयार कीजिए, इसे ठंडा कीजिए और पी जाइए। अगर आप अधिक गैस से परेशान हैं तो आप 3 दिनों तक लगातार सुबह शाम इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं, इससे आपकी जो गैस की समस्या है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।